क्या बोलना चाहेंगे विस्थापन को लेकर? मैंने एक सज्जन लिखे कि मैंने लिखा कि बनारस में भी एनसीएल का जमीन है, तो एक सज्जन ने लिखा कि ऐसे तो एनसीएल का जमीन कलकत्ता में भी है, तो क्या आपके मन से बस आपको जमीन दे देगा? अब जिसको जानकारी नहीं है तो वो अपने हिसाब से तो अच्छा ही बोल रहा है ना। आप क्या बोलना चाहेंगे? मोरवा का विस्थापन होने वाला है, जो होगा अच्छा ही होगा। जैसे उसका रीजन है ना, शासन प्रशासन किसी के साथ कभी गलत थोड़ी करेगा। राष्ट्र में सबको भलुगर जाना है, चुनाव होता है तो पक्ष विपक्ष सब अपना दांव आजमाते हैं, सत्ता किसके हाथ में गया तो समझ रहे कि जब अब मेरे मन से नहीं देगा तो आप परेशान क्यों हैं? जहां देगा वहां चलिए, एक अच्छा स्वच्छ नगर बसाया जाए। नमस्कार, मेरा नाम सुनील है और आप फुल पोस्ट देख रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि जो विस्थापन का कमेटी का ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर, उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं उसमें हैं। हम आपको स्क्रीन शॉट में भी दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए कि क्या क्या उसमें चल रहा है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ये सवाल खड़ा ही क्यों होता है? आखिर ग्रुप बनने का उद्देश्य क्या है? ग्रुप में तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं, लोग उसमें कमेंट करते हैं तो लोग उसमें सफाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि आखिर सवाल ही क्यों उत्पन्न हो रहे हैं इस ग्रुप में? जब 18-9 लग गई है तो जाना स्वाभाविक है, तो लोगों के मन में संशय क्यों है? आइए सीधे हम जुड़ेंगे राकेश अग्रहरी के साथ, ये मोरवा के व्यवसायी भी हैं, साथ में जो हैं युवा नेता भी हैं, जो ये रहने वाले, हालांकि मिर्ज़ापुर के हैं पूरी फैमिली, लेकिन आज विगत कई वर्षों से जो है मोरवा में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं और रोजगार डाले हुए हैं। क्या बोलना चाहेंगे विस्थापन को लेकर? इसका मतलब क्या समझे? आप ये बताएं कि कौन से ग्रुप से हैं, संतुष्ट ग्रुप से कि असंतुष्ट ग्रुप से हैं? संतुष्ट ग्रुप से। आज की मीटिंग में आप नहीं गए, आज बताइए अग्रवाल धर्मशाला में मीटिंग था तो आपको जाना चाहिए था ना, जब संतुष्ट ग्रुप से हैं तो। वहाँ असंतुष्ट वाले भी थे तो ज्यादा का बल लग जाए। राष्ट्र में सबको भलुगर जाना है, चुनाव होता है तो पक्ष विपक्ष सब अपना दांव आजमाते हैं, सत्ता किसके हाथ में गया तो समझ रहे। अब जिसको जानकारी नहीं है तो वो अपने हिसाब से तो अच्छा ही बोल रहा है ना। आप क्या बोलना चाहेंगे? मोरवा का विस्थापन होने वाला है, जो होगा अच्छा ही होगा। जैसे उसका रीजन है ना, शासन प्रशासन किसी के साथ कभी गलत थोड़ी करेगा। और दूसरी बात कि गलत तब होगा ना जब उसमें केवल सिविलियन लोग रहें, उसमें अच्छे अच्छे लोग हैं जो हर लोग स्थापित होंगे तो गलत कहाँ से होगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मोरवा का जो विस्थापन मंच बना हुआ है इसमें कई गुट में लोग बट चुके हैं। गुट में बटने का बात नहीं है, होता क्या है कि जैसे कि अपनी अपनी विचार जिसका मिलता है 10 लोगों का, तो वो लोग अपना एक ग्रुप बना लिए हैं और ग्रुप होता नहीं है, बस अपना मन पट रहा है। हम 4 लोग अलग खड़े होकर बात कर रहे हैं, उनका पट रहा है, वो 4 लोग अलग खड़े होकर बात कर रहे हैं, बस यही है, बाकी कुछ है नहीं। तो ऐसे में जो मैसेज ग्रुप में आ रहा है तो उसका क्या संदेश जाएगा मोरवा वालों में, जिले वासियों में? हालांकि मैसेज तो सब जगह आ रहा है, तो स्क्रीन शॉट लेंगे तो उसको आगे भी भेज देंगे, इसका असर क्या होगा? मैसेज मेरे में भी आता है तो जैसे हम फेसबुक देखते हैं वैसे उसको देख के बंद कर देते हैं।
कमेंट करने से कोई मतलब है नहीं। मैंने एक दिन एक सज्जन लिखे कि मैंने लिखा कि बनारस में भी एनसीएल का जमीन है, तो एक सज्जन ने लिखा कि ऐसे तो एनसीएल का जमीन कलकत्ता में भी है, तो क्या आपके मन से बस आपको जमीन दे देगा। तो मैं उन सज्जन से ये कहना चाहता हूँ कि जब अब मेरे मन से नहीं देगा तो आप परेशान क्यों हैं, जहाँ देगा वहाँ चलिए, एक अच्छा स्वच्छ नगर बताया जाए। तो जैसे अभी ये जो ग्रुप बना है विस्थापन मंच का, क्या उसका उद्देश्य सिद्ध हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है और न कुछ होगा। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जिस वक्त सर्वे हो जाएगा हाँ और ना का, उस समय 10% ना रहेंगे और 90% हाँ वाले रहेंगे, जो ये कहेंगे कि हमको मुआवजा दीजिए, हम यहाँ से निकले। तो जो अभी विवाद सिर्फ जमीन को लेकर चल रहा है कि परताली जाएंगे, भलगढ़ जाएंगे, खिरवा जाएंगे, इसका क्या उद्देश्य है? ये सब केवल अपना अपना मंसूबा गोटी बैठाने वाली बात है, बाकी कुछ है नहीं। तो इसमें गोटी बैठाने वाली बात क्या है? अरे जो भाई हम गोटवाली में जमीन लिए हैं, तो मैं तो यही चाहूंगा ना कि गोडवारी में विस्थापन हो। जो व्यक्ति परताली में लिया है तो वो यही चाहेगा ना कि विस्थापन परताली में हो, तो उसमें गलत का है। हर आदमी चाहता है कि मेरा जहाँ जमीन है वही विस्थापन हो। इसी को गोटी बैठाना बोलते हैं, तो और क्या बोलते हैं? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ग्रुप में जो चल रहा है पिछले हफ्ते से जो चला आ रहा था उसको देखते हुए अब जो है ग्रुप में धीरे धीरे सन्नाटा होने लगा है। उसका रीजन है, हर आदमी समझ चुका है कि परिवार का विवाद निपट नहीं पाता है, हम सरकार से कितना दिन लड़ेंगे जिसके पास सारी व्यवस्था है। इसीलिए जमीन खरीदते वक्त लोगों को जो पेपर मिलता है वो कौन सा पेपर होता है? ऋण पुस्तिका। तो सरकार ने आपको जमीन ऋण पे दिया है, आप जिंदगी भर उसके मालिक नहीं रह सकते हैं। जब सरकार को आवश्यकता पड़ेगी आपको मुआवजा देगा, उस जमीन का वैल्यूएशन देगा, मकान का वैल्यूएशन देगा और आप किनारे हटेंगे। आप क्या बोलना चाहते हैं? हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, एक अच्छा विस्थापन हो, हर आदमी के चेहरे पे ललाहट हो, यही चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। जैसा कि आपने सुना कि राकेश अग्रहरी जी ने क्या कहा है।